हेलो बच्चों, आज हम गणित की क्लास में मोदी गर्ल फाउंडेशन की तरफ से आपको ये जो वर्कबुक दी गई है उसके पेज नंबर 18 को हल करेंगे, जिसका टॉपिक क्या है, पैटर्न। पैटर्न में क्या होता है, हमारे पास कुछ डिज़ाइन के पैटर्न भी होते हैं और अंकों के भी पैटर्न होते हैं। जैसे एक दो डिज़ाइन दिए होते हैं उसी को देख कर हम आगे का डिज़ाइन पूरा करते हैं, इसी तरह अंकों के भी पैटर्न होते हैं। यहाँ पर कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, इसी को पहले हम समझेंगे और इसको देखते हुए आगे के पैटर्न को हम पूरा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, 3, 5, 7, 9। अब 3 के बाद 5 आया है, तो कैसे आया देखें। इसमें 3 में अगर मैं 2 जमा करती हूँ तो क्या आता है, 5। अब 5 के बाद 7, 5 में भी 2 जमा कर दें, 5 जमा 2 7। अब 7 में भी 2 जमा करके देखें क्या आता है, 9। तो इसमें भी 9 दिया हुआ है। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि हर अंक में हमने 2 जमा करके अगले अंक को लिखा है। अब इसको एक बार फिर करके देखते हैं हम, 9 में भी मैं 2 जमा करूं तो क्या आएगा हमारा, 11। और 11 में 2 जमा किए, 13 में 2 जमा किए, 15। इस तरह मैंने देखा इस पैटर्न में हर अंक में 2 जमा करके अगला अंक लिखना है। अब ऐसे ही इन दोनों को देखते हुए आगे के पैटर्न को पूरा करेंगे। 13 जमा 2 15। अब 15 में 2 जोड़ूंगी तो क्या आएगा, 17। 17 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 19। इसी तरह आगे का करते हैं, 8। 8 में 2 जोड़े, 10। 10 में 2 जोड़ूंगी तो क्या आएगा, 12। 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14। अब इसमें देखें, 15। 15 में 2 जोड़े, 17। 17 में 2 जोड़े, 19। 19 में 2 जोड़े, 21। अब ऐसे 20 में 2 जमा करेंगे तो क्या आएगा, 22। 22 में 2 जमा किया, 24। 24 में 2 जमा किया, 26। इस तरह हमने इन दो पैटर्न को देखते हुए आगे के पैटर्न को पूरा किया। आपने भी अपनी वर्कबुक में ये सारा काम कर लिया होगा। आप अपने इस काम को इस काम से मिलाना और देखना आपने ठीक किया या नहीं किया। बाय बच्चों, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, देखना क्या। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।